अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसमें हम वेक्टर्स की स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स यू एंड वेक्टर वी इन द प्लेन और इन स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यू एंड वेक्टर वी रिटन एज यू डॉट वी इज डिफाइंड बाय यू डॉट वी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। सपोज कर लें कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर यू है और एक वेक्टर वी है, कि इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है और इनका टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट है। और सपोज करें कि इनके जो दरमियान में एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी? वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी मल्टीप्लाई कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जो इनके दरमियान में एंगल बन रहा है उसका कॉज ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होगी। वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यू एंड वी एंड थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड पाई। जो एंगल होगा वो जीरो से 180 के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। अब अगर हम सपोज कर लेंगे जो वेक्टर u है वो इक्वल है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और वेक्टर v हम अगर सपोज कर लें a2i प्लस b2j प्लस c2k के इक्वल, तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी? ये जो इनके कोफिशेंट्स हैं यूनिट वेक्टर्स के, i वेक्टर का कोफिशेंट, j वेक्टर का कोफिशेंट, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और k वेक्टर के कोफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे उनका, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास i वेक्टर का कोफिशेंट जो है वो a1 है, वेक्टर v में हमारे पास i का कोफिशेंट a2 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a1 a2 आ गया। इसी तरह से j का कोफिशेंट लेंगे, j का कोफिशेंट b1 और यहाँ पे j का कोफिशेंट b2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 आ गया। और इसी तरह से k का कोफिशेंट c1 और यहाँ पे k का कोफिशेंट c2 है, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 c2 आ गया। तो इन तीनों को सम करेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आ गया। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर u और वेक्टर v की। सिंपली कोफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, i के कोफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, j के कोफिशेंट्स को करेंगे और k के कोफिशेंट्स को कर देंगे, ठीक है। अब ये जो स्केलर प्रोडक्ट है, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट को? क्योंकि हमारे पास जो आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद वो एक स्केलर होता है। यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है, ठीक है। इस वजह से हम इसे डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर यू एंड वी। हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर यू और वेक्टर वी। हमने यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करना है, कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे जो वेक्टर यू दिया हुआ है वो इक्वल है 3i प्लस j प्लस माइनस k के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड में हम सिंपली जो कोफिशेंट्स होते हैं उनका स्केयर लेते हैं, i j k के कोफिशेंट्स का स्केयर लेके उनका सम करते हैं और उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे i का कोफिशेंट 3 है तो 3 का स्केयर लिया, j के कोफिशेंट 1 का स्केयर लिया और k के कोफिशेंट माइनस 1 का स्केयर लेके उनका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेक्टर u का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 11 आ गया। अब इसी तरह से वेक्टर v का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कोफिशेंट्स का स्केयर लेंगे, i का कोफिशेंट 2 है उसका स्केयर लिया, j का कोफिशेंट माइनस 1 का स्केयर लिया और k के कोफिशेंट 1 का स्केयर लिया और इसे पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया इसका। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 6 आ गया, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमने u डॉट v इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ v मल्टीप्लाई cos थीटा पढ़ा था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ v भी निकाल लिया। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास वेक्टर u पहले लिखेंगे u डॉट v में और सेकेंड पे वेक्टर v आ जाएगा। अब इनके कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे i का कोफिशेंट 3 है, यहाँ पे i का कोफिशेंट 2 है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस j के कोफिशेंट्स लिए, यहाँ पे j का कोफिशेंट 1 है और वेक्टर v में j का कोफिशेंट माइनस 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस k के कोफिशेंट माइनस 1 और यहाँ से k के कोफिशेंट 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व किया तो हमारे पास u डॉट v जो है वो इक्वल टू 4 आ गया।
अब हमने यहाँ पे कोसाइन ऑफ थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास जो बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यू डॉट वी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करना है। सेपरेट करेंगे तो यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ यू आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास यू डॉट वी इक्वल टू 4 आया, यहाँ पे पुट कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ यू जो है वो इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 11 और मैग्नीट्यूड ऑफ वी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 6 आया। दोनों की वैल्यूज़ पुट की और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो कॉस थीटा इक्वल टू 4 बाय स्केयर रूट ऑफ 66 आ गया। यहाँ पे हमने कॉस थीटा फाइंड करना। अगर हमें इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि सिर्फ एंगल फाइंड करें, ओनली थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए कॉस को इनका इन्वर्स ले लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4 बाय स्केयर रूट ऑफ 66 आ जाएगा। उसे डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या होती है, हमारे पास कोई भी अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ओ ए जो है वो हमने सपोज कर लिया है वेक्टर यू के, वेक्टर ओ बी जो है उसे एक इक्वल सपोज कर लिया है वेक्टर वी के। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ओ ए जो है वो यू ले लिया और वेक्टर ओ बी जो है वो वेक्टर वी के इक्वल ले लिया, और सपोज कर लिया कि जो थीटा है वो इनके दरमियान में एंगल है जो जीरो से पाई के दरमियान में लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास थीटा आ गया। अब प्रोजेक्शन अगर हमने निकालनी है यहाँ पे वेक्टर वी की वेक्टर यू पे प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन साया होता है, बढ़ाव होता है। ठीक है, वेक्टर वी का जो प्रोजेक्शन है वेक्टर यू पे, वो अगर हमने निकालनी तो वो किस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए। यहाँ से पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वेक्टर ओ ए पे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पॉइंट एम पे यहाँ पे ओ वेक्टर ओ ए को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ओ एम जो है वो प्रोजेक्शन हो जाएगी वेक्टर वी की अलॉन्ग वेक्टर यू। यहाँ पे जो ये ओ एम है ये वेक्टर वी की प्रोजेक्शन हो, ठीक है, वेक्टर यू के अलॉन्ग। अब इस तस्वीर में ही अगर देखेंगे जो फिगर है, इसमें हमारे पास अगर कॉस थीटा हम निकालें तो कॉस थीटा का हमें पता है कि वो इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या बन रही है, बेस इक्वल आ रही है ओ एम के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ये जो बेस है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और थर्ड साइड जो होती है वो बेस होती है। तो यहाँ पे बेस हमारे पास ओ एम बन रही है, जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास आ रहा है ओ बी। तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा ओ एम डिवाइडेड बाय ओ बी। यहाँ से अगर हम ओ एम मतलब प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालें तो ओ एम किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा, क्योंकि जो ओ बी वेक्टर है वो इक्वल है वी के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ओ एम हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाई कॉस थीटा आ गया। इसे इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा इक्वल होता है यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी। इसे इक्वेशन टू का नाम दे दिया। यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है इसे अगर हम इक्वेशन वन में पुट कर दें तो हमारे पास ओ एम किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एज इट इज़। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ वी आ गया। ठीक है, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओ एम किसके इक्वल आ जाएगा, यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू। ये हमारे पास प्रोजेक्शन है ऑफ वी अलॉन्ग यू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड भी यू पे कर रहे हैं क्योंकि अलोंग यू है, जिस पे जिसके अलोंग प्रोजेक्शन होती है उसी पे हम डिवाइड करते हैं दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को। अब अगर हमने प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी निकाल लिए तो इसका मतलब क्या है कि जिसके अलोंग है उस पे डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड पे, तो यू डॉट वी को डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वी पे। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। अगर यू के अलॉन्ग है तो यू के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, वी के अलॉन्ग है तो वी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए अलॉन्ग वैक्टर बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर बी अलॉन्ग वैक्टर ए वेन वैक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस के एंड वैक्टर बी इज इक्वल टू जे प्लस के।
यहाँ पे हमने दोनों प्रोजेक्शंस निकालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए इक्वल है आई माइनस के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जो कोफिशेंट्स हैं उनका स्केयर लेंगे। आई का कोफिशेंट हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर ले लिया। जे कंपोनेंट नहीं है उसे स्किप कर दिया। फिर के का कोफिशेंट -1 है, -1 का स्केयर ले लिया और इसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। सॉल्व किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो इक्वल आ गया स्केयर रूट ऑफ 2 के। फिर इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। वेक्टर बी हमारे पास जे प्लस के इक्वल है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कोफिशेंट्स का स्केयर लेके सम करेंगे। यहाँ पे आई कंपोनेंट नहीं है उसे स्किप कर दिया। जे का कोफिशेंट हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर ले लिया। फिर के का कोफिशेंट हमारे पास 1 है, 1 का स्केयर ले लिया। दोनों को सम करके उसका पॉजिटिव स्केयर रूट ले लिया। सॉल्व किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी स्केयर रूट ऑफ 2 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन निकालने के लिए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए होता है। ए डॉट बी निकालेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है आई माइनस के और वेक्टर बी इक्वल है जे प्लस के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट पे जो यूनिट वेक्टर्स सेम होते हैं उनके कोफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर में अगर देखें तो आई का कोफिशेंट 1 है, 1 लिख दिया। सेकंड वेक्टर जो कि बी है उसमें अगर देखें तो आई यहाँ पे आई कंपोनेंट नहीं है, इट मीन्स कि उसका कोफिशेंट 0 होगा, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। प्लस अब फर्स्ट वेक्टर में देखें तो यहाँ पे जे कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेकेंड वेक्टर में देखें तो जे कंपोनेंट है, जे का कोफिशेंट हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। प्लस फर्स्ट वेक्टर में देखें तो के का कोफिशेंट -1 है वो लिख दिया, और सेकेंड वेक्टर में देखें तो के का कोफिशेंट 1 है वो लिख दिया। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ए डॉट बी की वैल्यू -1 आ गई। अब हमने प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकाल लेते हैं। प्रोजेक्शन में दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे जिसके अलॉन्ग हमने प्रोजेक्शन लेनी होती है। यहाँ पे हमने वेक्टर बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लेनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास -1 आई है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 2 आया है। दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इक्वल आ गया -1 बाय स्केयर रूट ऑफ 2 के। अब निकाल लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। जब अलॉन्ग ए है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी को हमने डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन है उस पर डिवाइड कर देना। तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए किसके इक्वल होगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए डॉट बी हमारे पास -1 के इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है स्केयर रूट ऑफ 2 के। दोनों की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, यही चीज़ आप याद रखिएगा कि जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन है आपने दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को उस पर डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड पे। अलॉन्ग बी है तो इट मींस कि आपने मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे डिवाइड करना है, अलॉन्ग ए है तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक 90 का एंगल बना रहे हो आपस में, ठीक है, जिनके दरमियान में 90 एंगल हो। टू नॉन जीरो वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ यू डॉट वी इक्वल टू जीरो। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर यू हमने ले लिया, एक वेक्टर वी ले लिया और यहाँ पे उनके दरमियान में एंगल 90 का ले लिया। अब देख लेते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो ऑर्थोगोनल क्यों होंगे। ठीक है, सिंस यू एंड वी आर परपेंडिकुलर सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमारे पास अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो इट मीन्स कि उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा थीटा वो 90 डिग्रीज होगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यू डॉट बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्रीज के इक्वल है, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा थीटा की जगह पे कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 इक्वल टू जीरो होता है तो हमारे पास आ जाएगा यू डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई कॉस 90 की जगह पे जीरो आ गया।
और जब ये पूरी वैल्यू जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास u डॉट v इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मीन्स जब भी दो वेक्टर्स के दरम्यान में 90 एंगल होगा तो इट मीन्स कि उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगी। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी, या अगर हमारे पास किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब एक्सरसाइज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ए रियल नंबर एल्फा सो दैट द वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अब हमारे पास जो वेक्टर्स दिए हुए हैं यू और वी, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, हमने यहाँ पे उनका एल्फा रियल नंबर फाइंड आउट करना है। गिवन है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यू डॉट वी निकालते हैं। हमारे पास यू वेक्टर इक्वल है 2 अल्फा i प्लस जे माइनस के, और वेक्टर वी इक्वल है i प्लस अल्फा जे प्लस 4 के। दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i के कोफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वेक्टर में हमारे पास i का कोफिशेंट 2 अल्फा है, सेकेंड वेक्टर में i का कोफिशेंट 1 है, प्लस j का कोफिशेंट फर्स्ट वेक्टर में 1 है और यहाँ पे सेकेंड वेक्टर में j का कोफिशेंट अल्फा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस k का कोफिशेंट -1 और 4 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व किया तो हमारे पास 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 4 आ गया, और यहाँ से u डॉट v हमारे पास 3 अल्फा माइनस 4 आ गया। ठीक है, सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर सो u डॉट v इक्वल टू जीरो होगा। अभी हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर हैं वेक्टर्स, इसका मतलब क्या है कि उनका ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू पुट की, यू डॉट वी हमारे पास 3 अल्फा माइनस 4 आया है, उसकी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू 4/3 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 7.3 से आपके असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। अभी हमने एक क्वेश्चन किया है इस तरह का, दोनों वेक्टर्स के दरमियान में हमने एंगल निकालना है, कोसाइन ऑफ एंगल निकालना है, मींस कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा इक्वल होता है यू डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। और यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनकी प्रोजेक्शंस निकालनी है, पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालनी है और फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालनी है। प्रोजेक्शन में सिंपली डॉट प्रोडक्ट होता है और जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन होती है उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। जब वेक्टर बी के अलॉन्ग निकालेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, वेक्टर ए के अलॉन्ग निकालेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अभी जो क्वेश्चन किया है यू डॉट पी इक्वल टू जीरो लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और वहाँ से अल्फा निकालेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, आप मुझे ये सबमिट करवा दीजिएगा फ्राइडे तक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट मंडे होगा। अल्लाह हाफिज़।